मैनपुरी जिले का इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। यहाँ की माटी में जन्मे लाल हमेशा गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करते रहे। ब्रिटिश राज में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यहाँ की माटी वीर सपूतों के खून से लाल हुई है। पृथ्वीराज चौहान के बाद उनके वंश के वीर देशभर में बिखर गए। मैनपुरी भारत में उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल का एक प्रमुख शहर एवं लोकसभा क्षेत्र है। किलों के लिए प्रसिद्ध मैनपुरी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। अकबर ओछा, अंबरपुर बेटलैंड, समान वन्यजीव अभ्यारण्य, बरनहाल और करीमगंज आदि यहाँ के प्रमुख स्थलों में से है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह स्थान काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। यह जिला इस जिले के उत्तर फरुखाबाद एवं कन्नौज जिले के पूर्व, इटावा जिले के दक्षिण और फिरोजाबाद जिले के पश्चिम से घिरा हुआ है। मैनपुरी जिले का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से ही है। मैनपुरी और उसके आसपास की जगह पर कन्नौज के शासकवंश का शासन था। 1526 के दौरान यहां पर मुगल शासक बाबर, 18वीं शताब्दी में मराठों और फिर अवध के नवाब वजीर ने शासन किया था। अंत में 1821 में यहां ब्रिटिश शासकों ने शासन किया। मैनपुरी जिला कृषि उत्पादों का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। इस पर्यटन स्थल का दर्शन आगरा में स्थित निकटतम हवाई अड्डे से दौरा कर किया जा सकता है, जो जिला मैनपुरी से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। इस पर्यटन स्थल तक अन्य शहरों से भारतीय रेलवे द्वारा पहुंचा जा सकता है। इस पर्यटन स्थल के निकटतम रेलवे स्टेशन मैनपुरी जंक्शन है। मैनपुरी जंक्शन शिकोहाबाद फर्रुखाबाद शाखा लाइन पर है। अन्य शहरों से मैनपुरी तक नियमित बस सुविधा है। कई निजी लॉज, होटल मैनपुरी रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के पास उपलब्ध हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए इन्फो गुरुदेव चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको मिलते रहेंगे हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है।